नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। दलजीत के ऊपर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वैसे भी 2023 में जब से दलजीत ने शादी की थी निखिल पटेल के साथ, तब से ही दलजीत परेशान है और खून के आंसू रो रही है। इतना तो शायद शालीन भन्नोट के साथ भी उठा पटक नहीं रही, जो भी रहा कट टू कट रहा और दोनों का डिवोर्स भी हो गया। एटलीस्ट शालीन भन्नोट ने शादी को माना तो था, लेकिन यहाँ निखिल पटेल को देखिए, निखिल पटेल ने उस शादी को भी कोर्ट में मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि वो सिर्फ एक इवेंट का हिस्सा था। वहीं दलजीत का सामान नहीं दिया गया, गार्ड ने उन्हें केन्या में घर के अंदर नहीं घुसने दिया। ये सारा तमाशा निखिल अपनी कार में बैठकर देखते रहे अपने दोस्त के साथ और लगातार वो अपने इंस्टा स्टोरी पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉफी की पिक्चर्स को शेयर करते हैं। दलजीत टूट गई, दलजीत ने टैटू बनवाया था, उसको वापस से उन्होंने रिन्यू किया। बेटे के ऊपर गहरा सदमा लगा, लेकिन दलजीत कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इस बीच दलजीत ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो कि निखिल पटेल की इंस्टा स्टोरी का है। निखिल पटेल ने इंगेजमेंट वाली रिंग पहनी हुई है अपनी इंगेजमेंट वाली फिंगर पर और इसके बाद दलजीत ने लिखा है कि फिर से अंगूठी पहन ली निखिल पटेल। इसके अलावा उन्होंने सफीना को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि सफीना बधाई हो, बहुत हिम्मत चाहिए सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें करने के लिए। सफीना भी जिस तरीके से शादीशुदा होकर बच्चे होने के बावजूद निखिल पटेल के साथ पिक्चर्स को अपलोड कर रही हैं, निखिल पटेल को डेट कर रही हैं, उससे भी दलजीत काफी ज्यादा गुस्से में है। दलजीत पछता रही है कहीं ना कहीं, लेकिन कानूनी लड़ाई वो लड़ भी रही है। वहीं निखिल पटेल ने फिर से सगाई कर सबको चौंका दिया है और दलजीत को दे दिया है गहरा झटका। तो ये बहुत बड़ा झटका है दलजीत के लिए और दलजीत ने इसको शेयर कर इस पोस्ट को लताड़ लगाई है निखिल को और सफीना को।